वेलकम टू सुत्रा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समुद्र शास्त्र के अनुसार पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था शंखनी स्त्री के बारे में। इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने जा रहे हैं संगनी स्त्री के बारे में। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो स्त्रियाँ होती हैं उनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है और साथ ही साथ ये बहुत डरपोक होती है। सरल स्वभाव के साथ हम कह सकते हैं कि ये दिखने में, आकार में, हाइट में, लंबाई में, चौड़ाई में भी सामान्य रूप की होती हैं। इनका कलर ना ही गोरा होता है, ना ही काला होता है, ना ही नैन नक्श इनके अच्छे होते हैं, ना ही बुरे होते हैं। ये एक मध्यम आकार की, मध्यम लेवल की औरतें होती हैं। ऐसी जो स्त्रियाँ होती हैं वो डरपोक होती हैं। अगर आप इनको ज़ोर से धमकाएंगे, ज़ोर से बोलेंगे तो ये अक्सर डर जाती है और ये दूसरों की बातों में बहुत ही आसानी से आ जाती है और किसी की भी बात जो कोई सामने वाला जैसे बोलता है उसको वैसा का वैसा मान लेती है। इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये हंसमुख होती है। छोटी छोटी बातों पे अगर कोई खिलखिलाए यहाँ से तो उनके साथ में ये हंस देती है, तो कहा जा सकता है कि ये बहुत ही हंसमुख होती है और साथ ही साथ शर्मीली भी होती है। इनकी आवाज़ बेहद कोमल होती है, ये बहुत ही धीरे धीरे बोलती हैं और सबके साथ प्रेम प्रसंग रखती है। ये एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी औरतें जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, शास्त्रों के अनुसार इनको सरल स्वभाव और कम कामुक बताया गया है, लेकिन ये अपने पति को प्रसन्न करने में खूब माहिर होती हैं। इन्हें काम कला बखूबी आती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए। इनके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक जो कि बाहरी दुनिया को दिखाया जाता है बहुत ही सरल स्वभाव, और दूसरा रूप अपने पति के साथ में कामुक होना। शास्त्रों में ऐसी स्त्रियों को बहुत ही अच्छा माना गया है जो बाहरी दुनिया के लिए सरल स्वभाव से रहे और अपने पति के सामने ही सिर्फ काम कलाओं का उपयोग करे और अपनी कामुकता को दिखाए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया संगनी स्त्री के बारे में। अगले वीडियो में बताएंगे एक नई और स्त्री के वर्गीकरण के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आप सभी से दरख्वास्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और अगर आप ऐसी किसी स्त्री को जानते हैं तो ये वीडियो भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।